तो कैसे हैं आप सब मित्र द्वारा चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने फ़ोन के हैंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हम आपको केवल 3 स्टेप्स बताएंगे, उन 3 स्टेप्स को साइड बाय साइड फॉलो करने के साथ आप अपने फ़ोन के हैंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने वो तीनों स्टेप्स टाइम टू टाइम किए 1 महीने या 2 महीने के ब्रेक के बाद, तो आपका फ़ोन बिल्कुल लैग नहीं करेगा और आपका फोन एकदम न्यू कंडीशन में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो का पहला स्टेप ये है कि आपको अपने फ़ोन की स्टोरेज 65% से कम रखनी चाहिए। 65% का मतलब मेरा ये है, अगर आपकी फ़ोन की स्टोरेज 32 GB है तो आपको 20 और 22 GB के अंदर स्टोरेज रखनी चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है कि आपको स्टोरेज रखनी पड़ती है, तो आपको वो फ़ोन की जंक फाइल्स और अननेसेसरी डाटा को क्लीन कर देना चाहिए। और अगर आप इस स्टेप को महीने में 1-2 बार करोगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा और आपको फ़ोन की प्रोसेसिंग तेज होती हुई दिखेगी। तो दूसरा स्टेप है फ़ोन की हीटिंग से रिलेटेड। अगर फ़ोन हीट ज़्यादा मारता है, इसका रिलेट भी फ़ोन के हैंग से होता है, क्योंकि अगर फ़ोन हैंग करता है तो फ़ोन ज़्यादा हीट मारता है। तो अगर आपने पहला स्टेप ध्यान से देखा है तो फ़ोन अगर क्लीन होगा पूरी तरह से तो फ़ोन के हीटिंग इशू क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा क्लियर, तो आपका फ़ोन या तो एल्युमिनियम फ्रेम का होगा या फिर स्टेनलेस स्टील का। अगर फिर भी अगर आपका प्लास्टिक का भी फ़ोन है या फिर पॉलीकार्बोनेट का, तब भी अगर हीट कर रहा है तो आपको हमारा तीसरा स्टेप फॉलो करना चाहिए। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अपनी फ़ोन की हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए फ़ोन को कम से कम चलाना चाहिए, एक पार्टीशन में चलाना चाहिए, जैसे कि एक घंटे में अगर आपकी प्रोसेसिंग हो जाए तो ठीक है। अगर आपको लंबा समय चाहिए तो आप पार्टीशन करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए तीसरे स्टेप की ओर। और इस वीडियो का तीसरा और लास्ट स्टेप ये है कि आपको अपने फ़ोन को दिन में 1 या 2 बार स्विच ऑफ कर देना चाहिए 5 या 10 मिनट के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके फ़ोन का अननेसेसरी डाटा जो कि आपकी जरूरत में बिल्कुल नहीं आएगा, वो अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। ऐप्स की जो क्रैश होती है वो भी अपने आप ही क्लीन हो जाएगी और फ़ोन की हैंग वो तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगी। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको ये करना ही चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। दिन में या तो रात को कर दीजिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ 5 या 10 मिनट के लिए बस, या सवेर को कर दीजिए। और ऐसा करने के साथ आपका हीटिंग इशू भी कम हो जाएगा और आपकी अननेसेसरी स्टोरेज वो भी साथ में साइड बाई साइड क्लियर हो जाएगी। और अगर आप उसको बाद में स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे एकदम कूल फ़ोन और उसके अंदर स्टोरेज भी आपको पिछली बार से कम दिखेगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? इस वीडियो को रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए। तो मीट इन नेक्स्ट वीडियो।